सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। यह गाड़ी i10 एरा मॉडल 2012 मॉडल। आज हम इसकी टाइमिंग बेल्ट चेंज करेंगे। ये काफ़ी चल गई है गाड़ी, इसलिए हम इसकी टाइमिंग बेल्ट चेंज करेंगे। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। सबसे पहले इसका हम व्हील खोलेंगे। व्हील खोलने के बाद इसके 10 नंबर के वाटर पंप के बोल्ट लूज करेंगे। पहले ये 4 चमक रहे हैं जो, ये वाले, ये बोल्ट लूज करेंगे। फिर उसके बाद इसका नीचे वाला डोग नट खोलेंगे। यह देखिए, ये 10 नंबर के क्रैंक के बोल्ट खोलेंगे। बोल्ट खोलने के बाद फिर इसकी बेल्ट उतारेंगे दोनों। यह एसी की बेल्ट है, यह अल्टरनेटर वाली बेल्ट है। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। यह देखें, 10 नंबर के 4 बोल्टों को खोलेंगे। और फिर ऊपर वाटर पंप के बोल्ट को खोलेंगे 10 नंबर के। यह देखे, वाटर पंप की पुली के बोल्ट हम खोल रहे हैं 10 नंबर के। इसको खोलने के बाद इसकी पुली बाहर निकाल लेंगे, फिर बेल्ट उतर जाएगी इसकी। वाटर पंप पुली के बोल्ट हमने खोल दिया है। यह देखिए ऑल्टरनेटर की बेल्ट कैसे उतारेंगे। इस बोल्ट को लूज कर लेना है। फिर इसके बाद यह एडजस्टर वाला बोल्ट लूज करेंगे, फिर बेल्ट उतर जाएगी। यह देखिए, यह एडजस्टर वाला बोल्ट हमने लूज कर दिया है। अब इसकी बेल्ट और पुली निकाल लेंगे दोनों। बेल्ट तो पहले कंप्रेसर की उतरेगी, अब निकलेगी। यह वाटर पंप की पुली है, इसमें कट का निशान भी होता है। जब लगाएंगे यह कट का निशान वही लगेगा। एसी की बेल्ट भी ऐसे ही उतारेंगे हम, जैसे अल्टरनेटर की निकाली है। ये वाला बोल्ट लूज करेंगे। यह देखे, एसी के कंप्रेसर के बोल्ट से हमने बेल्ट निकाल दिया और इसके 10 नंबर के क्रैंक के 4 बोल्ट खोल दिए। यह अल्टरनेटर वाली बेल्ट है। अब यह देखिए, ऊपर वाले टाइमिंग कवर के बोल्टों को हम खोलेंगे ऊपर दोनों। 2 बोल्टों को खोलेंगे कवर के। यह टाइमिंग कवर खोल दिया ऊपर का। अब इसका डोग नट खोलेंगे नीचे का, क्रैंक का डोग नट। यह देखिए, अब हम डोग नट खोलेंगे। यह डोग नट खुलता कैसे है मैं आपको बताता हूँ। फ्लाईव्हील में पेचकस फंसाना पड़ेगा जब खुलेगा। ये इधर फ्लाईव्हील में पेचकस फंसाएंगे हम जब खोलेंगे। यह देखिए, फ्लाईव्हील में हमने पेचकस लगा दिया है। अब इसका डोग नट खोलेंगे क्रैंक वाला। यह देखें, डोग नट खोल ले हम, हमने लगा दिया फ्लाईव्हील में। अब इसका डोग नट ये खोलेंगे। देखिए, यह देखिए, यह नीचे क्रैंक वाली पुली है, मेन पुली। आप टाइमिंग कवर के चारों तरफ से बोल्ट खोलेंगे। यह देखिए, टाइमिंग कवर नीचे का। यह इंजन को करंट दे दिया। टाइमिंग प्लेट, यह
जब इंजन राउंड देगा, जब इंजन को घुमाएंगे, यह प्लेट टाइमिंग सेंसर पर टच होगी और इससे करंट जाएगा इंजन के अंदर। हमें इसकी बेल्ट चेंज करनी है तो इसलिए ये टाइमिंग सेंसर खोल लेंगे हम। यह देखिए टाइमिंग सेंसर के नीचे इसकी टेसनर बैरिंग कसने की स्प्रिंग होती है, यह देखिए लगी हुई है। पहले यह बोल्ट खोलेंगे 17 नंबर का टेसनर बैरिंग का। यह बोल्ट लूज ही करना है, पूरा ओपन नहीं करना है। अब यह नीचे से स्प्रिंग हटा देंगे, ये देखिए। पेचकस की हेल्प से हमने स्प्रिंग निकाल लिया, इससे बेल्ट निकाल सकते हैं अब हम। यह बेल्ट निकाले गए अब हम। यह देखिए बेल्ट को निकालेंगे। इस बेल्ट को कैसे निकालेंगे अब हम, ऊपर से इंजन माउंटिंग खुलेगा जब यह बेल्ट निकलेगी। नीचे चैम्बर के नीचे जैक लगा के, चैम्बर के नीचे जैक लगा के यह तीनों बोल्टों को खोलना है, फिर जैक नीचे डाउन करेंगे, फिर बेल्ट निकल जाएगी। टाइमिंग बेल्ट निकालने के लिए यह तीनों बोल्ट खोलेंगे। इंजन माउंटिंग का फ्रंट माउंटिंग है, तीनों बोल्टों को यह देखें, एक बोल्ट दो नट तीनों हमने खोल दिया। अब जैक डाउन करेंगे हल्का सा, बेल्ट निकल जाएगी नीचे होते ही। यह देखिए अब बेल्ट निकालेंगे अब हम। ये हमने बोल्ट लूज करके नीचे से निकालेंगे बेल्ट को हीरी। यह बेल्ट निकाल दिया हमने, इसको हम चेंज करेंगे। अब ये पुरानी है काफ़ी, अब हुंडई की जैन मनी डालेंगे हम। देखिए हम बेल्ट लाए हैं, हुंडई की जैनवन बेल्ट है, ये पुरानी है, ये नहीं है, हुंडई की जैनवन बेल्ट है। देखिए हुंडई की बेल्ट है जैनवन। अब देखिए हम टाइमिंग, या देखिए पहले इसमें टाइमिंग बेल्ट डालेंगे। ये माउंटिंग के इधर से टाइमिंग बेल्ट जाएगी इसके अंदर, यह देखिए, ये इस तरीके से। अब इसके माउंटिंग के बोल्ट लगा लेंगे, फिर टाइमिंग मिलाएंगे। यह देखिए टाइमिंग मिलाएंगे हम। ये मक्खी है इसकी टाइमिंग की, और पुली पे कट का निशान होता है इसकी, ये रहा, ये रहा कट का निशान। इसको यहाँ पर ले जाएंगे, यह देखे यह टाइमिंग का निशान, देखे यह टाइमिंग का निशान है ऊपर वाला, और नीचे वाला अब हम सेट करेंगे। यह ऊपर वाली मक्खी हमने मिला दिया है, यहाँ से थोड़ा तिरछा हो रहा है इसलिए नीचे चमक रहा है, और नीचे की टाइमिंग मिलाएंगे अब हम। यह देखे टाइमिंग का, यह मक्खी है इसकी टाइमिंग के निशान के ऑयल पंप में, और यह यहाँ पर है पुली में। अब इसको राउंड लेकर यहीं पर लाएंगे, नीचे का टाइमिंग यह है। यह देखे ऊपर का टाइमिंग यहाँ है, नीचे का टाइमिंग यहाँ है, और ऊपर का यहाँ है। यह देखिए ऊपर का टाइमिंग यहाँ है, आरी के ब्लेड से चेक कर लिया हमने,
ये फिक्स है, इसलिए ऊपर से तिरछा दिख रहा है। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ आरी के ब्लेड से, यह देखिए आरी के ब्लेड से यहाँ पर फिक्स है। यह देखिए पहले बेल्ट को नीचे से लगाएंगे, नीचे ये एडजस्टर गियर का फैसनर बैरिंग नीचे से लग गई, लगा दिया है हमने, फिर इसको ऊपर से लगाएंगे। यह देखिए यह नीचे से बेल्ट लगा दिया, अभी लूज है, अभी टेस्टनर बैरिंग इसको टाइट करेगा अपना, इसको टाइट करेंगे, स्प्रिंग लगा के टाइट हो जाएगी, और ऊपर भी लगा दिया। अब टेस्टनर बैरिंग से इसको टाइट करेंगे बेल्ट को। यह देखिए एडजस्टर की स्प्रिंग है, इसको बेल्ट को अपना पर एडजस्ट करती है, हल्के ही टाइट कर देंगे हम इसको ऐसे, फिर इसका टाइमिंग सेंसर लगाएंगे, एडजस्टर के बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देंगे, फिर इसका टाइमिंग सेंसर लगाएंगे। यह देखिए इसमें दो बोल्ट है 10 नंबर के, छोटे बोल्ट होते हैं। यह देखिए टाइमिंग सेंसर को टाइट कर रहे हैं, यह देखिए टाइट हो गए हैं दोनों बोल्ट। फिर इसका ये डॉग नट खोलेंगे, फिर इसमें टाइमिंग सेंसर की प्लेट डालेंगे, जिससे टाइमिंग को करंट सेंसर को करंट मिलता है। ये डॉग नट खोलेंगे, यह देखिए टाइमिंग सेंसर की प्लेट यह है, इस पर टच होता है जब इसको करंट मिलता है। ये ऐसे लगाएंगे, इसमें 5 वोल्ट जो इसे ऐसे लगाएंगे, यह देखे यह ऐसे लगेगी, इसकी डाबर में फंसनी है। फिर इसका टाइमिंग कवर लगाएंगे, ऊपर का नीचे का दोनों टाइमिंग कवर लगाएंगे। टाइमिंग इसका सेट है, यह देखे इसका टाइमिंग कवर लगाएंगे, अब ऊपर से भी सही है टाइमिंग इसका। यह देखे टाइमिंग कवर कस दिया हमने, फिर इसके बाद यह मैन पुली इसकी, फिर उसके बाद यह दूसरे नंबर की प्लेट इसकी। अब इसका डॉग नट कस देंगे, फिर उसके बाद कंप्रेसर की पुली लगाएंगे इसी में ही मैन में, या दूसरे नंबर की पुली है या तीसरे नंबर की पुली है। फिर उसके बाद एक वार्सल है इसकी पुली की, या वार्सल है, फिर इसके बोल्ट लगाएंगे 10 नंबर के, चारों बोल्टों को अच्छे से टाइट करेंगे, फिर गियर बॉक्स में पेचकस लगा के फिर इसका डॉग नट टाइट करेंगे। अब वाटर पंप की पुली लगाएंगे इसकी, या निशान चेक कर लेना है जो ऊपर आ रहा है वाटर पंप के, इधर ये वाला यह कट का निशान। अब वाटर पंप की पुली लगाएंगे, नीचे हमने पेच का फंसा दिया, अब हम इसका डॉग नट टाइट करेंगे। यह देखिए डॉग नट टाइट कर रहे हैं, ये टाइट होगा डॉग नट। पहले इसकी ऑल्टरनेटर की बेल्ट
ऑल्टरनेटर की बेल्ट चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद एसी की बेल्ट चढ़ाएंगे। बेल्ट चेक करेंगे अब हम पहले, ठीक है ख़राब है। यह देखिए हम ऑल्टरनेटर की बेल्ट नई डालेंगे। ऑल्टरनेटर की बेल्ट का नंबर है 4PK 800 नंबर। फिर इसकी कंप्रेसर की बेल्ट डालेंगे 4PK 750 नंबर। यह देखिए दोनों बेल्ट हम जेन्युइन डालेंगे, फिनर की 750, यो कंप्रेसर की है, यह 800 नंबर, यह अल्टरनेटर की है। नई बेल्ट डालेंगे जेन्युइन है फिनर की। यह देखिए फिनर की बेल्ट है 800 नंबर 4PK 800। यह अल्टरनेटर की बेल्ट है इसकी। अब बेल्ट लगाएंगे हम। यह देखिए बेल्ट चढ़ा दिया है, लूज है अभी। इसको एडजस्टर से, इससे इस एडजस्टर से टाइट करेंगे बेल्ट को। यह देखिए इस एडजस्टर से बेल्ट को टाइट कर देंगे और बेल्ट को चेक करेंगे टाइट है या नहीं। यह बेल्ट टाइट हो गई। अब इसकी एसी की बेल्ट डालेंगे। यह देखिए कंप्रेसर की बेल्ट भी चढ़ा दिया हमने। कंप्रेसर की बेल्ट को ऊपर कंप्रेसर से टाइट करेंगे। इस एडजस्टर से बेल्ट को टाइट करेंगे। इस बोल्ट से टाइट करेंगे। वाटर पंप की पुली के बोल्ट टाइट करेंगे अब 10 नंबर के फ्लैट से। अब पानी से वाटर पंप के बोल्टों को अच्छे से टाइट करेंगे चारों बोल्टों को। वाटर पंप पुली के बोल्ट टाइट हो चुके हैं। अब यह टाइमिंग पूरा सेट हो चुका है। अब हम सेल मारेंगे और गाड़ी को चेक करेंगे स्टार्टिंग। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अभी हम गाड़ी में सेल्फ मारेंगे, जब दिखाएंगे आपको सेल्फ मार का। यह देखिए अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग इसका सब सेट हो गया था। मारो सेल्फ। ये देखिए पहले सेल्फ में स्टार्ट हो गई गाड़ी। सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बंद करके दोबारा स्टार्ट करो करो। यह देखिए गाड़ी कंप्लीट है।